दोस्तों, आपने चांद पर जाने के लिए किए गए प्रयोगों के बारे में तो सुना ही होगा। हर दिन और हर महीने स्पेस कंपनियां कुछ ना कुछ प्रयोग करती रहती है। ये तो सबको पता चल ही गया है कि चांद पर जीवन है, लेकिन आज हम इसी कड़ी में आपको खास जानकारी देंगे जिसको लेकर दुनिया की दो स्पेस एजेंसियों ने दावा किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की खास वीडियो को और जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। ये बात आपको हैरान करेगी, लेकिन ये सच है कि चांद पर इतना ऑक्सीजन मौजूद है जिससे 800 करोड़ लोग 1,00,000 साल तक सांस ले सकते हैं। और इस बात का दावा करने वाली एजेंसियां और कोई नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी और नासा है। इन दोनों एजेंसियों ने अक्टूबर के महीने में एक डील की थी जिसमें इन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी के रोवर को नासा चांद पर उतारेगा। इसके लिए वह अपने अर्टिमिस प्रोग्राम का उपयोग करेगा। इसको लेकर वैज्ञानिकों का दावा है कि ये ऑक्सीजन चांद की ऊपरी सतह पर मौजूद है। ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी का यही मकसद है कि वो इस ऑक्सीजन को हासिल करने के लिए अपने लूनर रोवर के जरिए चांद की सतह से पत्थर जमा करेगी और फिर उनसे सांस लेने लायक ऑक्सीजन निकालेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आखिर कैसे होगा, तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि इसको लेकर ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी का क्या कहना है। उनका कहना है कि चांद की ऊपरी सतह पर ऑक्सीजन गैस के रूप में नहीं मिलता है, बल्कि वो तो पत्थरों और परतों के अंदर नीचे दबा हुआ है। अगर हमें इंसानी बस्ती यहाँ बसानी है तो हमें उसकी सतह से ऑक्सीजन को निकालना होगा। आपको बता दें कि चांद पर आपको ऑक्सीजन किसी भी रूप में मिल सकता है। हो सकता है किसी खनिज, सख्त पत्थर, छोटी बजरी, धूल, कंकड़, रेत के रूप में भी आपको खनिज मिल जाए। जानकारी के अनुसार चांद की पूरी सतह पर वैसे तो पत्थर और मिट्टी ही है, जैसे कि आप धरती पर देखते हैं। इन्हीं सब में भारी मात्रा में आपको ऑक्सीजन भी मिलता है। चांद की सतह पर हर क्यूबिक मीटर में 1.4 टन खनिज है। इन खनिजों में 630 किलोग्राम ऑक्सीजन है। नासा का कहना है कि एक इंसान को दिन भर में जिंदा रहने के लिए सिर्फ 800 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर किसी एक क्यूबिक मीटर से 630 किलोग्राम ऑक्सीजन निकलता है तो एक इंसान आराम से 2 या फिर उससे ज़्यादा साल तक चांद पर जीवित रह सकता है। दोस्तों, चांद की सतह पर सबसे ज़्यादा सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन और मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये तो सब जानते हैं कि धरती की मिट्टी में जीवन है, जबकि चांद की मिट्टी में 100% तक अनछुआ खनिज अलग अलग रूपों में मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे कि चांद पर इसी स्थिति में खनिज और ऑक्सीजन क्यों मिलता है, तो आपकी इस दुविधा का भी हम हल कर देते हैं। दरअसल चांद पर यह हालत इसीलिए हुई है क्योंकि चांद की सतह पर अक्सर उल्कापिंडों और एस्ट्रॉइड की बारिश होती है, जिसकी टक्कर के कारण चांद पर मौजूद पत्थर और खनिज टूट जाते हैं। चांद की मिट्टी को कुछ लोग लूनर सॉयल भी कहते हैं, जो कि धरती की मिट्टी से बहुत अलग होती है। धरती की मिट्टी में हजारों प्रकार के सूक्ष्म जीवों का निवास होता है, लेकिन चांद की मिट्टी में खनिज और ऑक्सीजन का मिश्रण, यानी किसी पत्थर को अगर आप बारीकी से देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे छेद दिखाई देंगे जिसके अंदर ऑक्सीजन बुलबुलों के रूप में भरा होता है। अगर इन्हें निकाल कर उपयोग में लाया जाए तो इसमें क्या ही बुरी बात होगी। दोस्तों, हमने अभी तक आपको ये बताया है कि चांद पर ऑक्सीजन आपको कैसे और किस में मिलेगा, लेकिन अब सवाल ये है कि आप उसे जीने के लिए कैसे उपयोग करेंगे। जानकारी के मुताबिक अगर हम किसी पत्थर को तोड़ते हैं तो उसमें दो चीज़ें आपको मिलेंगी, पहला है ऑक्सीजन और दूसरा खनिज। हर रेगोलिथ में करीब 45% ऑक्सीजन होगा, लेकिन इस ऑक्सीजन को निकालने के लिए हमें काफ़ी भारी मात्रा में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा ताकि ऑक्सीजन का कोई भी नुकसान न हो। धरती पर इलेक्ट्रोसिस की प्रक्रिया से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। तरल एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी एल्यूमिना के बीच से इलेक्ट्रिक करंट बहाया जाता है, इससे एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर आता है, लेकिन चांद पर यह मुख्य प्रोडक्ट होगा, जबकि खनिज बाई प्रोडक्ट होंगे।
चांद पर इस तरह की रासायनिक प्रक्रिया को बड़े पैमाने पर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा और तकनीक की ज़रूरत होगी, जिससे इसे टिकाऊ बनाने की कोशिश की जाएगी। बेल्जियम की एक स्टार्टअप स्पेस एप्लीकेशन सर्विस कंपनी ने कहा था कि उसके पास एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर्स है जो कि इलेक्ट्रोसिस की प्रक्रिया को सुधार कर बेहतर और ज़्यादा बेहतर ऑक्सीजन पैदा करने की क्षमता रखते हैं। उन्हें उम्मीद है कि वो साल 2025 तक इस तकनीक को चांद पर भेजने में सफल हो जाएंगे। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।